नमस्ते, माधवी न्यूज रे में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में आज हम हिंदी क्लास 11 वेस्ट बंगाल काउंसिल हायर सेकेंडरी एजुकेशन का मॉक टेस्ट करेंगे, MCQ 2018 का। चलिए शुरू करते हैं। गल से 9 प्रश्न, खंड क में पहला। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा, कौन राह जो रहा है? क विद्यानिवास मिश्र, ख मुंशी प्रेमचंद, ग हरिशंकर परसाई, ख अगे। उत्तर क विद्यानिवास मिश्र। दूसरा, उनमें से एक यह है कि समय ही धन है, वक्ता कौन है? क अगे, ख मनीषा कुल श्रेष्ठ, ग मुंशी प्रेमचंद, ख विद्यानिवास मिश्र। उत्तर ग मुंशी प्रेमचंद। तीसरा, और मेरे आश्चर्य और क्षोभ का ठिकाना नहीं रहा, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? क बहता पानी निर्मला, ख बिगरेल बच्चे, ग मैं नर्क से बोल रहा हूँ, ख मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। उत्तर ग मैं नर्क से बोल रहा हूँ। चौथा, अंधेरे के मील के पत्थर हैं, यह कथन किसका है? क ई बातून, ख पेशेवर नेता, ग कवि, घ मिस कटारा। उत्तर क ई बातून। चौथा, वे दोनों युवा प्रणयी फिर एक दूसरे में मग्न थे, यह वाक्य किस पाठ से है? क बहता पानी निर्मला, ख बिगरेल बच्चे, ग आजादी की नींद, ख मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। उत्तर ख बिगड़ेल बच्चे। मैंने लौटने का ही निश्चय किया, किसने निश्चय किया? क विद्याधर मिश्र, ख मनीषा कुलश्रेष्ठ, ग अगे, ख प्रेमचंद। उत्तर ग अगे। सात नंबर, आखिर मेरी मौत भी आई, मौत कब आई? क रात होने पर, ख बीमार होने पर, ग बाजार में घूमने पर, घ रईस के लड़के की शादी पर। उत्तर ख बीमार होने पर। आठवां, तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? क विद्यानिवास मिश्र, ख अगे, ग प्रेमचंद, ख घ हरिशंकर परसाई। उत्तर ख अगे। नौवां और आखिरी, इन लोगों को इतनी छूट है, हमें कभी थी क्या? यह कथन किसका है? क डॉक्टर, ख बड़ा लड़का, ग अधेर सज्जन, ख लेखक। उत्तर क डॉक्टर। अब पद से खंड ख। पहला, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात? तात से संकेतित कौन है? क कृष्ण, ख बलदेव, ग नंद, घ उद्धव। उत्तर ग नंद। दूसरा, जहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुभेद बतावे, कवि का नाम बताइए। क प्रसाद, ख सूरदास, घ घनानंद, घ रसखान। उत्तर घ रसखान। तीसरा, तेज अमिताभ अलौकिक कांत, अमिताभ किसको इंगित करता है? क तेज धूप, ख बुध, ग नागार्जुन, घ प्रसाद। उत्तर ख
बुध, चौथा वाल गुटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पूर को तजी तारो। किस भाषा में रचित है? क अवधि, ख ब्रज भाषा, ग मैथिली, घ खड़ी बोली। उत्तर ख ब्रज भाषा। पांचवा, छोड़कर जीवन के अतिवाद मध्य पथ से लो सुगति सुधार। यह पंक्ति किस कविता से है? क जो बीत गई सो बात गई, ख काल और उसके बाद, ग अरी अरुणा की शांत कछार, घ रसकान के सवैये। उत्तर ग अरी वरुणा की शांत कछार। छठा और आखिरी, लघु जीवन लेकर आए हैं, लघु जीवन से क्या तात्पर्य है? क मानव जीवन, ख कलियां, ग बादल, घ फूलों का जीवन। उत्तर क मानव जीवन। अब खंड ग साहित्य से। पहला, पृथ्वी राज रासो के रचयिता के नाम बतलाइए। क अगणिक, ख विद्यापति, ग दलपति विजय, घ चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। उत्तर घ चंद्रवरदाई। दूसरा, रसकान का पूरा नाम क्या है? क सईद इब्राहिम, ख इब्राहिम जुनेद, ग इब्राहिम सैयद, घ इब्राहिम गार्दी। उत्तर क सईद इब्राहिम। तीसरा, कबीर किस धारा के कवि हैं? क ज्ञानाश्रयी, ख प्रेमाश्रयी, ग राम भक्ति, घ कृष्ण भक्ति। उत्तर क ज्ञानाश्रयी। चौथा, पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? क कबीर, ख कुंभन दास, ग जायसी, घ मंजन। उत्तर ग जायसी। पांचवा और आखिरी, विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? क मैथिली, ख अवधि, ग सधुकड़ी, ख ब्रज भाषा। ग घ ब्रज भाषा। उत्तर क मैथिली। इसी के साथ 2018 का प्रश्न पत्र पूरा हुआ। धन्यवाद।